फ्रेंड्स, पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग शब्द का अर्थ है पीछे वाली। पिछवाई चित्र आकार में बहुत बड़े होते हैं और इन्हें कपड़े पर बनाया जाता है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर तथा अन्य मंदिरों की मुख्य मूर्ति के पीछे दीवार पर लगाने के लिए इन बृहद आकार के चित्रों का काम लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। आज हम बात करने वाले हैं पिछवाई पेंटिंग के बारे में। पिछवाई पेंटिंग कहाँ से आई है, इसका क्या मतलब है, हम ये सब बातें करेंगे आज के इसमें वीडियो में। तो आप लोग तैयार रहिए जानने के लिए पिछवाई पेंटिंग के बारे में। तो दोस्तों, पिछवाई पेंटिंग का जो है ना अर्थ अभी मैंने आपको बताया कि जो पीछे लटका हुआ है, संस्कृत से लिया गया है ये शब्द पिच, इसका अर्थ है पीछे, और वाइस का अर्थ है लटकना, यानी कि पीछे लटका हुआ चित्र। भक्तिपूर्ण हिंदू चित्रित इसमें हमेशा चित्रित होते हैं और आमतौर पर कपड़े पर जो कृष्ण जी को चित्रित करते हैं वे मुख्य रूप से पुष्टि मार्ग भक्ति परंपरा के हिंदू मंदिरों में लटकाए जाते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से नाथ द्वारा राजस्थान में श्रीनाथ जी मंदिर 1672 के आसपास बनाया गया था। उन्हें श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लटका दिया जाता था। कृष्ण का एक स्थानीय रूप और पुष्टि मार्ग पूजा का केंद्र है। उनकी लीलाओं को चित्रित करें औरंगाबाद उनसे जुड़ा एक और क्षेत्र था। कलात्मक आकर्षण के अलावा पिछवाइयों का उद्देश्य अनपढ़ों को कृष्ण की कहानियां सुनाना था। मंदिरों में अलग अलग छवियों के सेट होते हैं जिन्हें देवता मानने वाले त्योहारों के कैलेंडर के अनुसार बदलते जाते हैं। पिछवाई पेंटिंग्स में मुख्यतः श्रीनाथ जी के चित्र हैं, जो कृष्ण का यह 7 साल पुराना रूप श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा की जाने वाले पीठासीन देवता हैं, जिसमें कई चित्रों में मंदिर में देवता की पूजा और पूजा को दिखाया गया है। आधुनिक पिछवाई की पुष्टि मार्ग परंपरा में पूजा किए गए कृष्ण के रूपों जैसे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश मंदिर में पीठासीन देवता को चित्रित करते हैं, और जबकि ये पेंटिंग श्रीनाथ जी पर हमेशा केंद्रित रहती है। पेंटिंग अक्सर परंपरा में अन्य देवताओं जैसे यमुना जी, गोस्वामी जी जैसे वल्लभाचार्य और अन्य पुजारियों को दर्शाती है। ज़्यादातर जो मंदिरों में आंतरिक गर्भगृह की पृष्ठभूमि पर ये है ना उपयोग किए जाते हैं, उन्होंने हर रोज़ बदला जाता है। उस दिन मौसम, व्यवहार, त्यौहार, अनुष्ठानों के आधार पर इन्हें डिज़ाइन किया जाता है और पूजा के जो है ना अकॉर्डिंग इन्हें बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा, शरद पूर्णिमा, रासलीला, होली जैसे त्यौहार पुष्टि मार्ग में अन्य प्रमुख त्योहारों के साथ साथ पूजा के तरीकों और उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर विशद विवरण के साथ चित्रित होते हैं। 1672 ईस्वी में जब श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना हुई थी ना, तो उस समय जो पुष्ट मार्ग संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र और मुख्य पुजारी विट्ठलनाथ ने पिछवाई बनाने के लिए मंदिर प्रशासन के तहत कारीगरों को नियुक्त किया था। ये पारंपरिक रूप से कारीगरों द्वारा केवल धार्मिक और समारोह के लिए मुख्य पुजारी द्वारा कमीशन पर बनाए जाते थे। हालांकि आने वाली शताब्दियों में जैसे जैसे ये संप्रदाय गुजरात और मथुरा जैसे भारत के विभिन्न हिस्सों में बढ़ता गया, ये कला और ये शैली हर जगह पहुंचती गई। तीर्थयात्रियों को श्रीनाथ मंदिर से ले जाने के लिए ये जो बने थे आर्ट्स और पिछवाई जो है ना धनी परिवारों द्वारा कमीशन पर भी बनाया जाता था। एक कला, इस ये जो कला है ना, इसकी भारी और जटिल प्रकृति ने भी थिएटर कंपनियों द्वारा इसके पक्ष में नेतृत्व किया और उन कंपनियों ने भी इसकी पृष्ठभूमि के रूप में कमीशन किया। 19वीं सदी की शुरुआत के काल में स्कूल पेंटिंग रूपों को भारतीय व्यापार और उच्च वर्ग के लिए पारंपरिक शैलियों जैसे पिछवाई की तुलना में अधिक वरीयता प्राप्त हुई।
और जैसे जैसे इस आर्ट की जो डिमांड बढ़ने लगी ना, तो कारीगरों ने अपनी पेंटिंग अपने टेक्निक्स में ना छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू कर दिए और ये जो आर्ट है ना ये एक शैली बन गई। लेकिन पश्चिमी प्रभावों को भी ना इसमें शामिल करना शुरू कर दिया गया, जैसे कि ऑयल पेंट का उपयोग करना, पारंपरिक शैलीगत दृष्टिकोण की बजाय यथार्थवाद का उपयोग करना। एक उदाहरण यह भी है कि इन चित्रों में खींचे गए पैर, विशेष रूप से श्रीनाथ जी को फोरशॉर्टनिंग की पश्चिमी कला तकनीक से खींचा गया था, पैरों के बगल में होने के पारंपरिक चित्रण के बजाय। हालांकि इस समय अवधि का जो है ना स्वदेशी आंदोलन जैसे राजनीतिक आंदोलन से भी भारी प्रभाव रहा। यहाँ पारंपरिक भारतीय कला, संस्कृति और संगीत को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 19वीं शताब्दी के पहले इसे बहुत कम जाना जाता था और नाथ द्वार में पिछवाई कारीगर तीन मुख्य उपजातियों से आते थे, जो उदयपुर से पलायन करने का दावा करते हैं और जांगीर जयपुर और जोधपुर से चले गए थे। मूल रूप से पिछवाई पेंटिंग को ना हाथ से बने स्टार्च वाले सूती कपड़े पर बनाया जाता है और कारीगर उस तारे हुए कपड़े पर कला की रूपरेखा तैयार करते हैं। फिर सजावटी और सुंदर चित्र बनाए जाते हैं और छवियां पूरी तरह से जैविक और नेचुरल कलर्स और पेंट, यहाँ तक कि प्राकृतिक ब्रश के साथ बनाई जाती हैं। पिछवाई जो पेंटिंग्स हैं मुख्य रूप से श्रीनाथ जी को समर्पित होने के कारण मुख्यतः इनमें भगवान श्री कृष्ण की रासलीला सहित विभिन्न लीलाएं, दान लीला, माखन चोरी, चीरचाला, गोवर्धन लीला, होली आदि होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए और भी ऐसी अनोखी और जानकारियाँ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री पीडी।